मॉर्निंग, वेलकम टू सिक्स न्यूज। मैं हूं पंकज अरोड़ा। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। खबर आ रही है राका में हुए हवाई हमलों की वजह से लगभग 300 लोग मारे गए और 120 घायल हो गए। आइए चल के देखते हैं वहां के ताजा हालात। इस जहां की फितरत में जो नफरत है उसका अंदाज कातिला, कत्ल करना है तो इश्क, जान लेनी है तो इश्क। नफरत आसान है पर इश्क मुश्किल। एक सेकंड, नफरत को तोड़ो और दिलों को जोड़ो, बस इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। पर कैसे समझाएं इस पत्थर दिल जहां को कि इश्क करो, क्योंकि इश्क करने के लिए एक महबूब की जरूरत होती है और वो महबूब सिर्फ हमारे पास है। हाँ तो बताओ कैसी लगी मेरी पोइट्री? पोइट्री सच बोलूं कि झूठ? झूठी बोल। ओके, तो अगर झूठ बोलना है तो तुम्हारी पोएट्री बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा। सच कहूं जाए तुम सपोर्ट करती हो इसलिए मैं लिख भी पाती, वरना पता नहीं क्या होता। यू नो व्हाट, आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी लाइफ में हो। शायद मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना अम्मी के जाने के बाद तो पता है क्या मेरी दो ख्वाहिश। पहली तुमसे निकाह करना और दूसरी मेरी इस पोइट्री की बुक को पब्लिश करना। और पता है क्या, मैंने इसका नाम भी सोच लिया। रियली? क्या? गेस व्हाट, सलामी इश्क। इसको पब्लिश करवाऊंगी और फिर तुमको डेडिकेट कर दूंगी। लेकिन सब अब सईदा, तुम घबराओ, मैं हूं, मैं तुम्हें वादा करता हूं मैं तुम्हारी दोनों ख्वाहिश पूरी करूंगा। शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं भी। अब रूही क्या कर रही है? नौकर क्या आना चाहिए यार? भाईजान बात ही ऐसी थी कि नौकर ना भूल ही गई। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? आप दोनों की एंगेजमेंट डेट फिक्स करने कल मुफ्ती अंकल लंच पर आने वाले हैं। अरे सईदा, वो शर्मा के भाग गई, अभी तो कल ही मुलाकात होगी। तो अब सब कुछ पक्का, 18 दिसंबर को मुंगनी करेंगे दोनों की पढ़ाई होने के बाद। ठीक है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक मौके पे मुंह मीठा कीजिए। लो बताइए मुक्ति साहब, हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल गई है। बदल
देखिए आपने इस रिश्ते को जो मोहर लगा दी है ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये सबके लिए एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने। अरे बेटा कहाँ जा? अबू अबू एक मिनट। आज करीब 12 से 1 के बीच में राजधानी दिल्ली में 6 सीरियल ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट में 300 से ज्यादा लोग मारे और करीब 220 लोग घायल। हमारे सूत्रों के हिसाब से भारतीय खुफिया विभाग के पास खबर आ चुकी थी कि MFIS इंडिया में हमले की तैयारी कर रहा है। इन हमलों के बाद लोगों में काफी तनाव आ चुका है। आइए लेके चलते हमारे संवाददाता राकेश के पास। अजीत साहब, ब्लास्ट इतना जोर से हुआ कि मेरे दोनों कान सुन लो। मैं वहाँ से आया, देखा यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। अरे कितने लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे टेररिस्ट को जो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते।